जस्ट मैं हूँ आपके साथ दुष्या। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां मानपुर में नक्सलियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाई है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना औंधी थाना क्षेत्र की शारदा रलखेड़ा गांव की है। मौके पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है, रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क निर्माण में लगे वाहनों को फूंक दिया गया है। सड़क निर्माण कर रहे वाहनों को माओवादियों द्वारा आग लगाई गई है। औंधी थाना क्षेत्र की शारदा सरखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, लिहाजा मौके पर पुलिस बल रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां माओवादियों द्वारा एक बार फिर से एक घटना को अंजाम दिया गया है, वाहनों को आग लगाई गई है। और घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, तुरंत ही मौके पर रवाना हो गया पुलिस प्रशासन। सड़क निर्माण में वाहनों को फूंक दिया गया माओवादियों द्वारा। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा समता प्रमोद निर्मल फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे जो इस बार ये घटना माओवादियों द्वारा जो दी गई है, उसमें कितना नुकसान हुआ है और मौके पर कितने सदस्य टीम पुलिस प्रशासन की पहुंची है? इस जगह में वाहन को आग लगाया गया है, उसी जगह पर खड़ा हूँ इस वक्त। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई भी एंगल यहाँ पर फिल मैंने तस्दीक की। आस पास बहुत कंपनी के लोगों से और मैंने स्टॉक का मुआयना भी किया, इसलिए आज हालांकि ये इलाका चूंकि इलाका है, इसलिए आज सब इस तरह ये माओवादियों द्वारा घटना ही सबसे पहले प्रतीत होती है। लेकिन जो वारदात का जो तरीका है और वारदात के बाद जो ट्रक के जले हिस्से हैं, दोनों ही ट्रकों के एक एक हिस्से ही मात्र जले हुए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं जी है या फिर जो लोगों ने या किस दौर में भी काम किया हो। हालांकि पुलिस के अधिकारियों चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। इस बीच खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं।